नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमित त्रिपाठी। रुक करेंगे दो मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फसल की खरीद को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने ली बैठक, विभाग के सभी अधिकारी हुए शामिल। अक्टूबर से शुरू होगा खरीफ की फसल का खरीद सत्र। अंकित हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा मामले में वीआईपी का नहीं हुआ खुलासा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, पिछले 24 घंटे में डेंगू के 44 नए केस, 1588 पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में होगी भारी बारिश, बाकी जिलों में हल्की बारिश के आसार। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। 24 सितंबर को नरेंद्र नगर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी के सीएम होंगे शामिल। गढ़वाल रेल यात्रियों को मिली नई सौगात, कोटद्वार से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई रेल का होगा संचालन, राज्यसभा सांसद ने उठाई थी ट्रेन संचालन की मांग। हल्द्वानी में सड़क हादसे का शिकार होने से बची स्कूल बस, अनियंत्रित होकर डिवाइडर के ऊपर चढ़ी बस, बच्चों को निकाला गया सुरक्षित। हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, घर के सपने दिखा, लोगों को लूटने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, लोगों को अब तक लगाई करोड़ों की चपत। देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी, पैरोल के बाद फरार हुए हत्यारोपी को नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार, आरोपी पर था 25,000 का इनाम। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने सहायक अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर ने आपको ऐसा कार्यक्षेत्र दिया है जिसमें काम करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। वहीं सीएम धामी ने उम्मीद की सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको बेधड़क होके बिना किसी लाभ हानि पक्ष विपक्ष इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए, जो न्याय का सिद्धांत कहता है, जो होना चाहिए, जो हमारी आत्मा कहती है कि इसके साथ न्याय होना चाहिए, इस पर ये होना चाहिए, अगर हम वो करते जाएंगे तो ये मानिए कि आपका बैंक जो है डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा। और कहीं हमने ये सोच लिया कि नहीं, हम सामने तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन पीछे से कहीं उसमें हमारे मन में ही कोई न्यूनता आ गई है, तो ये मानिएगा कि बैंक बैलेंस कम होता चला जाएगा। पुरानी संसद में विशेष सत्र की कार्यवाही के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 मिनट लंबा भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों और G20 सफलता समेत मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल खड़े किए। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर भी बयान दिया। नीतीश जी ने जो कहा है वो इंडिया की भावना कही है। हमारे पास एक अटूट नारा है, भारत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा। और लोक देश जो है ये 28 दलों के गठबंधन का इंडिया का की प्रतीक्षा कर रहा है, एक बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा है। अपने इतिहास को विदा नहीं किया जाता है, जो समझदार कौमें होती हैं वो इतिहास को अंगीकार करती हैं, समेट करके रखती हैं, याद करती हैं। और मोदी जी उनके उद्भव से पहले के हर ऐतिहासिक उपलब्धि को, और भाजपा भी ये सिद्ध करना चाहती है, उनके मेंटर आरएसएस भी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मोदी जी के उद्भव के साथ ही भारत का उद्भव शुरू हुआ है। तो ये इस थ्योरी के अंदर ये नया जो संसद भवन बनाया गया है, हम उसके लिए भी बधाई देना चाहेंगे, वो एक वास्तविकता है, मगर एक आधा अधूरा ऐतिहासिक काम है।
हल्द्वानी में तिकोनिया चौराहे के पास स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार होने से बच गई। दरअसल बच्चों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई थी, जिससे स्ट्रीट लाइट का पोल भी गिर गया। वहीं बच्चों को हल्की चोटें भी आई हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मैं हिंदा कॉन्वेंट का बच्चा हूँ, मैं घरदार था और ये अंकल बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे और मैं बस से गिर गया था। एक बार मैं आगे बैठा था ना, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या हुआ, यहाँ पर आगे ना ये बस जो थी ना वो ऊपर को चढ़ गई उसके ऊपर। निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा हूँ और मैं घर जा रहा था। क्या हुआ आज? वो एक्सीडेंट हो गया बस का, मतलब वो ड्रिंक करके चला रहे थे गाड़ी, बस ड्राइवर भैया। ये तिकोनिया तिराहे के पास एक स्कूल की बस डिवाइडर पर चढ़ने से यातायात भी बाधित हुआ है और जो ड्राइवर है वो बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि नशे में था, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और बस को 207 एमवी एक्ट में सीज किया जा रहा है। इसके अलावा सर कुछ बच्चों को भी चोटें आई हैं? हाँ, कुछ बच्चों को खरोंचे आई हैं, कोई मेजर चोट नहीं आई है किसी को भी। ये एक बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितनी स्कूल की बसें चल रही हैं, मुझे स्कूल के जितने प्रबंधक हैं उनको ये कहना है कि अपनी स्कूल की बसों को अच्छे से देख लें, उसकी स्थिति ठीक हो, उसके ड्राइवर की स्थिति ठीक हो, उसके परिचालक की स्थिति ठीक हो, और अगर किसी भी स्कूल की बस अगर इस दिशा में पाई जाती है तो संबंधित प्रबंधकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी संभावित है। देहरादून के आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन ने देहरादून के आरटीओ की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। विजयवर्धन ने बताया कि किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर सुनील शर्मा का ट्रांसफर किया गया, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। है कि आरटीओ सुनील शर्मा का जो है जो स्थानांतरण प्रशासन में है वो नियम विरुद्ध है। इसकी शिकायत जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री से करी है और उसमें ये कहा है कि इनकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इनके खिलाफ और भी कई ऐसे मामले हैं जिनकी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत करी थी, जिसपे की जाँच जो है अभी मुख्यालय आ रखी है, लेकिन वो जाँच इन्होंने पेंडिंग कर रखी है। अब मुख्य कारण ये इसका इनका ट्रांसफर का ये है कि इनका ट्रांसफर नवम्बर 2021 को पौड़ी आरटीओ प्रशासन से देहरादून में इन्फोर्समेंट पे हुआ था और ठीक 25 अक्टूबर 2022 को इनका ट्रांसफर जो है परिवर्तन से इनका प्रशासन में कर दिया गया, जबकि इनका नियमों के विपरीत था, क्योंकि उसके लिए जो एकमात्र पात्र अधिकारी थे वो शैलेश तिवारी थे, क्योंकि उनका वो जो है अल्मोड़ा में 3 साल अपनी सेवा। 24 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं सपा भी चुनावों को लेकर दमखम लगा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सपा प्रदेश अध्यक्ष काशीपुर पहुंचे, जहां सपा अध्यक्ष शंभू पोखरियाल का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं इस दौरान उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। जिले स्तर पर पूरी तैयारी है हमारी और उसमें लगे हैं हम लोग। देखिए, गठबंधन देश में अच्छा काम करेगा और एक नया अध्याय और आयाम देगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जो आपका गठबंधन है उसमें निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार भाषण ज्यादा राशन कम की नीति पर काम करती है। हल्द्वानी के विकास के लिए सरकार ने लगभग 1,067 करोड़ के प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन अब तक उनमें कोई भी काम नहीं किया गया है। हल्द्वानी शहर के विकास कार्यों की फाइल केवल भाषणों के भीतर ही बंद रह गई है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, फीडबैक उसकी यही है कि वो अभी सोच रहे हैं और कर रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ये केवल जुबानी बातें करते हैं। विकास अगर किसी ने देखना है, कांग्रेस की सरकारों में जो विकास होता है और विकास की जो सोच होती है वो कांग्रेस की सरकार में रहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाषण ज़्यादा राशन कम, ये इनका मंतव्य है, ये इनकी सरकार चलाने की प्रणाली है। डोईवाला में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में डोईवाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला ने भी शिरकत की। साथ ही उन्होंने शिविर का हिस्सा बन रहे युवाओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। हम सब जान रहे हैं कि आजकल डेंगू का प्रकोप
बहुत तेजी से बढ़ा है। चिकनगुनिया भी कुछ स्थानों पर शुरू हुआ है। दोनों बीमारियां काफ़ी घातक होती हैं, फैटल होती हैं, और ऐसे में अपने प्रधानमंत्री जी जो सबके बहुत ही प्रिय नेता हैं, हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के, उनके जन्मदिन से लेकर और गांधी जी के जन्मदिन तक यानी 2 अक्टूबर, ये 15 दिनों में सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है, और उसी के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में औसत 10 ये ब्लड डोनेशन और स्वास्थ्य शिविर इस समय आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश के विकास के लिए सांसद निधि का सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सभी सांसद काफी संवेदनशील हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने फसलों की खरीद के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी बहुत सी संस्थाएं जैसे सहकारिता, FCI, UPCU आदि के माध्यम से क्रय केंद्र खोले गए हैं। इन संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि किसानों को चावल की खरीद के संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। देखिए, आज खरीफ फसल की बैठक ली गई है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा हमें लगभग 8.96 LMT 2022-23 का हमारे पास में लक्ष्य दिया गया है, और जिसमें हमें यह लक्ष्य को 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक में इस 8.96 LMT लक्ष्य को पूर्ण करना है। साथ ही आपकी वह भारत सरकार ने चावल की खरीद पर जो MSP तय करी है। अंकिता भंडारी की पहली पुण्यतिथि पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर VIP के नाम का खुलासा न करने का आरोप लगाया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा, सरकार ने एक साल बाद भी नहीं बताया कि आखिर वो VIP कौन था। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। आज अंकिता भंडारी की हत्या का एक साल पूरा, एक पहली पुण्यतिथि है उनकी। सबसे पहले हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राज्य में कृषि विभाग में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। महानिदेशक जो DG हैं कृषि विभाग के, उन्होंने एक पत्र जारी किया है राज्य के सभी कृषि अधिकारियों को कि वो खरीद बताएं 2 साल में क्या क्या खरीद हुई, चाहे वो उपकरण हो, चाहे बीज हो, चाहे पौधे हो, चाहे खाद हो। उसका महानिदेशालय को पता ही नहीं है कि खरीद कितनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा विभाग आकंठ भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। 24 सितंबर को टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में उत्तराखंड समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री 17 एजेंडों पर मंथन करेंगे। बता दें कि बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा 2-2 मंत्री और सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में होनी है। ये बैठक राज्य के महत्वपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। उत्तराखंड राज्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है। अतिवृष्टि के कारण, प्रदेश में आपदा के कारण इस बैठक को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इस माह इस बैठक को होना है। देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी इस बैठक में आने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक रहने वाली है। उनके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में ये बैठक होने वाली है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और केंद्रीय मंत्री इस बैठक में रहेंगे। अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस बैठक की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि इस बैठक को राज्य में होना है। इस बैठक में मध्य क्षेत्रीय राज्यों के जो पर्यटन है, जो हमारा जो बुनियादी ढांचा है, जो विकास है,
और जिस तरीके से राज्य में आपदाएं आई हैं। देहरादून में परिवहन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे युवाओं को अब भारी व्यावसायिक वाहनों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें, ट्रेनिंग की फीस का भुगतान सरकार खुद करेगी। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण में भाग लेने वाले हर वालों को हर रोज 100-100 रुपए भी दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार देहरादून में झाझरा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक में ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इस योजना की शुरुआत की जा रही है। हरिद्वार के धनौरी पीजी कॉलेज में रोवर्स रेंजर्स के प्रशिक्षण शिविर का विधिवत समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय के सचिव आदेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं झंडारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि ने कहा कि नैतिक आदर्शों के संरक्षण और चरित्र निर्माण में रोवर्स रेंजर्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मानव समाज की सेवा करना इनका एकमात्र उद्देश्य है। नैतिकता, प्रेम, सत्य, भाईचारा, आध्यात्म जैसे मानवीय मूल्यों को विकसित करना और आत्मसात करना ही शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा। डॉक्टर पृथ्वी सिंह विकसित कॉलेज में हमारे धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी के बच्चों ने रोवर्स रेंजर्स कैंप लगाया 4 दिवसीय। इसी का समापन समारोह था। इस समारोह में बच्चों ने यहाँ टेंट लगाए, जंगल में या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में या कहीं जहाँ लड़ाई का मैदान में हमारी सेना लड़ रही हो, वहाँ इस तरीके का कार्यक्रम टेंट लगाने का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको ढंग से बताया और समझाया कि कैसे हम लोगों को वहाँ कैंप लगाना चाहिए। उसी के संदर्भ में आज ये कैंप का समापन समारोह था। इसमें आगे बढ़कर के चीज़ों को जानकारी लेनी चाहिए, किस किस तरीके से इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और इसमें संभावनाएं तलाशनी चाहिए कि और इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। देहरादून की जिलाधिकारी ने डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें जिलाधिकारी सोनिका को 105 शिकायतें प्राप्त हुई। ये शिकायतें जमीन, बिजली, पानी, आपदा जैसी तमाम मुद्दों पर थी। वहीं इन शिकायतों पर डीएम ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लैंड और बाकी चीजें तो थी ही, लेकिन सीनियर सिटीजन से रिलेटेड भी काफी शिकायतें थी। काफी बुजुर्ग लोग आए थे और जो घरेलू जो विवाद है उसके क्रम में आए हुए थे। तो सभी एसडीएम्स को और जो हमारा सीनियर सिटीजन सेल है पुलिस का, उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भी भेज दिए हैं कि सारी समस्याओं का निस्तारण करें और जो जो पॉसिबल उपाय हो सकता है सब करें। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड बिजली, पानी, आपदा सभी से रिलेटेड। गढ़वाल के रेल यात्रियों को जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। दरअसल कोटद्वार से आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई रेल का संचालन किया जाएगा। हालांकि ये ट्रेन कब शुरू होगी अभी इस पर कोई जानकारी नहीं है, पर रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने के लिए समय सारणी तैयार कर ली है। बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्रेन का संचालन करने की मांग की थी, जिसे रेल मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।